हेलो एवरीवन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या पार्लियामेंट्री फॉर्म तो आइए जान लेते हैं दोनों का डिफरेंस सबसे पहले प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल हेड कंट्री का प्रेजिडेंट होता है और वहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है और असली हेड गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है नेक्स्ट डिफरेंस है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के द्वारा किया जाता है जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेजिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता नेक्स्ट इज़ कि प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिसलेचर का पार्ट नहीं होता है और प्रेजिडेंट और उसके सेक्रेटरीज लेजिस्लेचर या कांग्रेस का पार्ट नहीं होते जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं नेक्स्ट डिफरेंस है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और कांग्रेस या जिसे लेजिस्लेचर भी कहते हैं कि इलेक्शंस अलग अलग होते हैं तो प्रेसिडेंट उस पार्टी का लीडर नहीं होता जिसको लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी मिली है जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का लीडर होता है जिसको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली है तो इसलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है नेक्स्ट डिफ्रेंस में हम यू का एग्जाम्पल ले सकते हैं वहाँ पर लेजिसलेचर या कांग्रेस का प्रेसिडेंट पर कोई कंट्रोल नहीं होता तो वो उसको उसका कार्यकाल पूरा होने तक हटा नहीं सकते हैं जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट पर इसलिए अगर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी में नहीं होता तो उसकी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है प्रेसिडेंशियल टाइप की गवर्नमेंट यूएसए, अफगानिस्तान अर्जेंटीना और बहुत से कंट्रीज़ में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया यूके, डेनमार्क स्वीडन और बहुत से दूसरे कंट्रीज़ में है तो आया आपको डिफरेंस समझ में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एक्जीक्यूटिव एंड लैजस्लेटर ब्रांचेज दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये दोनों अलग नहीं होते अब प्रश्न ये उठता है कि भारत ने इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज़ की इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडियंस का गवर्नमेंट में ज़्यादा कोई पार्टिसिपेशन नहीं था तो आज़ादी के बाद हमारे लीडर्स ने ऐसे भारत का सपना देखा जहाँ पर सबको इक्वल इक्वलिटी मिले और सबका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन है दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि इंडिया की कल्चर इतनी डाइवर्स है तो इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए और सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीज़न जुडिशियसली करने के लिए इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडोप्ट की होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू